नजर तो सीधा दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाइव जा रही हूँ। वाकई वाजिद, मुझे आता नहीं लाइव जाना, मैं बहुत कम जाती हूँ। और मुझे ये है हमारे वाजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, ये लाइव जा रही हूँ मैं पक्का। हेलो आयशा, और कौन कौन है जी? हाँ हाँ, काफ़ी लोगों ने हमें हेलो हाय करना शुरू कर दिया है। ये हमारे कंटेस्टेंट्स हैं। शहजादी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए शहजादी के ने मास्क, शहजादी मास्क पहन लो फटाफट। ये देखिए सब ने मास्क पहना हुआ है। बताएं कितने फासले से बैठे, और देखिए हम कितने फासले से, कितना बड़ा वो है, सब इतने फासले से बैठे हैं। सर ये ताहा है हमारे टीम मेंबर, सब छुप गए, कैमरामैन पर्दा कर रहे हैं। देखिए और अब बैक कैमरा करके करें। अच्छा रुके, मैं पहले सबको दिखाऊँ। हमारे कैमरामैन, ये देखें सबसे अच्छा, इन्होंने पूरा वो पहना हुआ है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है। यूनिफॉर्म नहीं, क्या कहते हैं उसको, पी प्रोटेक्शन पूरा इन्होंने। ये सबसे मुझे, सबसे मैं इम्प्रेस इनसे हूँ। शकील भाई का है, दूर हो है ना अब एक दूसरे से। हाँ ये देखें, सब ने मास्क लगाए हुए हैं। ये सब स्टूडियो से बाहर चले जाते हैं जैसे ही वो होता है, ये हमारा माहौल है, बाकायदा फ्यूमिगेशन होती है। और ये देखें सब कितनी दूर दूर हैं हमारा। मैं आपको जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हमारे वो भी ARY के जो गेट है ना, वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगी कि कितनी वहाँ पे सफाई है। और बुखार चेक होता है जैसे हम एंटर होते हैं, साथ फिर एंटी बैक्टीरियल स्प्रे किया जाता है। तो मैं पढ़ी, मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साइम 5876, आयशा जलील 29। हेलो सबको, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू भाई तारीफ़ों का। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ लाइव आया करूँ, आपके साथ गप्पे मारूँ। वैसे तो शो पे मार ही रही हूँ। वाजिद कोई मेकअप की टिप्स देना चाहेंगे, कोई सवाल वाजिद से करना है तो भाई पूछ लें आप। वाजिद मेरे साथ हैं यहाँ बैठे हुए। कहाँ गए वाजिद? हाँ वाजिद कोई सवाल करें अगर, मैं पढ़ के। कल का शो क्यों नहीं हुआ? कल का शो इसलिए नहीं हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। कल की नहीं, मैं बड़ा इंस्टा पे लाइव होता हुआ आ रहा था कि मैं ARY जा रहा हूँ और आप लोग शो देखिएगा। आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया, तबीयत खराब हो गई थी निदया से भाभी की, सो इसलिए हम शो कंटिन्यू नहीं कर सके थे। तो आज हम कर रहे हैं उस शो को, तो उसके लिए हम रियली सॉरी फॉर दैट कि आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका। और उसके अलावा अभी आप घर में बैठे हैं तो आप अपनी बहनों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं मेकअप की। भाई ये मैरी कह रही है, मेरा नाम ले मैरी 291। यार नाम तो अपने सही रखा करो ना। मैंने देखो इट्स निदा यासर ऑफिशियल में रखा हुआ है आपने उसका नाम। तुम लोग नाम ऐसे रखते हो तो पता ही नहीं चलता कौन है। कौन सी मैरी है? वो भी आ रहा होता है ना कभी कभी, प्रिंसेस। हाँ डायना। हाँ वही ना, स्किन पे ब्लैक डॉट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है वाजिद भाई? वाजिद भाई आप डॉक्टर? अच्छा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, डॉक्टर खिलजी के पास जा सकते हैं आप, और तस्नीम ना खुदा के पास जा सकते हैं, तो आपको वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। अगर बेस से छुपाना है तो डार्कर टोन से आप छुपाएं और ऊपर उसके लाइटर बेस लगाएं ताकि आपका रंग फेयर भी लगे और आपकी कवरेज भी हो। इकरा ताही, और पता नहीं बहुत सारे नंबर थे, वो कह रही मेरा नाम जो है ले। इकरा ताही हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई मेकअप में बेस कैसे सही बनती है? मेकअप में बेस कैसे सही बनती है वाजिद खान? अच्छा मेकअप में बेस कैसे सही बनती है, आपने पहले प्राइमर लगाना है ताकि आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाए, आपकी स्किन के अंदर मेकअप ना जाए। उसके अलावा आपका जो अपना कलर का फाउंडेशन है आपने सबसे पहले अपने हाथ पे चेक करना है या फेस पे लगा के, और जब आपका सही फाउंडेशन का सिलेक्शन होगा तो बेस भी कम लगेगी और अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा बेस लगाना कोई आर्ट नहीं है और शक्ल को बदलना कोई कमाल नहीं है। सो जो आपके अपने फीचर्स होते हैं, आपकी अपनी स्किन ग्लो करनी चाहिए जब आपका बेस का सिलेक्शन सही होगा। तो क्या करना है, आपने हल्का सा बेस लेके पूरे फेस के ऊपर आपने लगाना है, फिंगर टिप के साथ उसको ब्लेंड करना है, एंड देन पाउडर लगाना, कंटूर करना, हाईलाइट करना, आपकी बेस कंप्लीट। सईदा जफरा ने रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम लें जी। सईदा जफरा बड़ा प्यारा नाम है आपका। सईदा जहरा है कि जफरा है? निकल गया आगे। मिस खान ने जी है कहा है मेरी, मेरा नाम लें। फिर क्या कह रही निदा आपकी, आपका फेस ग्लो के लिए क्या करें, अपने फेस ग्लो करने के लिए क्या करें भाई वाजिद खान? अच्छा मेकअप से अगर ग्लो करना है तो यू कैन यूज हाइलाइटर, और अगर वैसे आपको कुछ लगाना है तो आप नाइट क्रीम्स लगा सकते हैं, आपको सीरम लगा सकते हैं ग्लो करने के लिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर घर का कोई टोटका करना है तो लींबू और शहद लगाएं, आपकी स्किन वैसे ग्लो करती है। सुनो ये कमेंट्स पढ़ने में इंसान महंगा तो नहीं लगता? नहीं। हाँ चले जी मैं अब यू रखा करता। हाँ यू हाँ, ओके यू। अच्छा जी अब मेरा लाइव शो शुरू होने वाला है तो हम ब्रेक ले रहे हैं, और हो सकता है कि हम ब्रेक में दोबारा वापस आ जाए, मूड हुआ तो आ जाएंगे। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मिलते हैं लाइव शो में। बंद कैसे करते हैं? एंड ऊपर एंड आ रहा है, एंड करें और उसको शेयर स्टोरी करें, एंड वीडियो करें।